ई-कॉमर्स कंपनी अपना स्टॉक खत्म करने के लिए रिपब्लिक डे पर भारी डिस्काउंट्स दे रही हैं। इसके साथ ही 1 फरवरी से एफडीआई की पॉलिसी भी बदल रही है, जिसका असर इन कंपनियों के डिस्काउंट्स पर पड़ना लाजमी है। देश की ई कॉमर्स कंपनियां अपना स्टॉक खत्म करने के लिए भारी डिस्काउंट दे रही हैं। दरअसल ई कॉमर्स सेक्टर में 1 फरवरी से नई एफडीआई पॉलिसी लागू होनी है, जिसके चलते ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर दिवाली सीजन की तरह लगभग सभी कैटेगरीज पे भारी डिस्काउंट दे रही हैं। कई चीजों में ये डिस्काउंट ऑफर दिवाली सीजन से भी 3-5% ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी से पहले ये कंपनियां अपनी इन्वेंट्री खाली करने के लिए ये ऑफर दे रही हैं। ई कॉमर्स सेल रिपब्लिक डे के मौके पर चल रही है, जिसमें Amazon की सेल 20 जनवरी से 23 जनवरी तक, Flipkart की सेल 20 से 22 जनवरी तक, Grofers की सेल 19 से 27 जनवरी तक है। कंपनियां इस तरह की सेल में भारी डिस्काउंट देकर अपनी सेल्स बढ़ाती है, पर इन डिस्काउंट की वजह से कंपनियों को हो रहा नुकसान भी बढ़ता है। वित्त वर्ष 2018 में Amazon इंडिया का नुकसान 4,923 करोड़ रुपए का रहा था, जबकि Flipkart का नुकसान 2,790 करोड़ रुपए का था। नई एफडीआई पॉलिसी की वजह से ई कॉमर्स कंपनियों की सेल में दिया जा रहा डिस्काउंट तो कम होगा ही, साथ ही नुकसान और बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा है। उजैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।